एक सेठ जी थे, ब्याज बट्टा धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सब प्रकार का कारोबार करके खूब भेड़ा किया। समापन सत्र में उनको एक ऋषि रूप में नारद जी महाराज आए और सेठ जी से मिले करे। सेठ जी नीकाओ, बोले नीकाओ, बोले आप अस्वस्थ दिख रहे हो, क्यों खाट में आ गए थे, चला फिरा नहीं जा रहा था। बोले आप अस्वस्थ हो, आपके कोई पुण्य खाते में हैं, आप बोलो तो विदाई करा दें शहर से। नहीं महाराज, अभी रहने दो मेरे को आप। बोले आप तकलीफ पा रहे हो, बोले नहीं महाराज, अभी सब कुछ दिख रहा है, जैसा भी समझ पा रहा हूं समझ रहा हूं, बेटे पोते आसपास नजर आ जाते हैं, पड़ पोते नजर आ जाते हैं, अलमारी मेरे को बार बार मेरी दिख जाती है, मुझे ठीक लग रहा है। ये ऋषि जो महाराज पधारे उनको कह रहे हैं वो, तो नहीं चलोगे? बोले नहीं महाराज, आपकी मर्जी। महाराज कुछ समय बीता, 100 वर्ष तो होने ही है, कोई 90, कोई 100, कोई 120, और भागवत जी कह रहे 126 साल। चलो साहब 126 साल जी लो। महाराज अब पूरे होने थे, हो गए। अब उनकी जब आत्मा जा रही है तो नारद जी महाराज अदृश्य वहीं खड़े हैं, कह रहे हैं कि आपका पुण्य है खाते में, उसका कोई हिसाब किताब कुछ बोलो, इच्छा हो तो कह दो। बोले महाराज एक इच्छा है वो कर दो पूरी। बोले क्या? बोले घूम फिर के मैं मेरे ही घर में आ जाऊं, ऐसा कुछ कर दो। अरे लोग मोक्ष के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हो यहीं आ जाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले सेठ जी मनुष्य तो बनोगे नहीं, अब मनुष्य का तो अकाउंट आपका पूरा हो गया, दोबारा आप बन नहीं पाओगे, ऐसा काम किया नहीं। तो महाराज कुछ भी कर दो, घर में आ जाऊं। तो महाराज कुछ भी कर दो ठीक है। तो उनके महाराज एक गैया ब्याने वाली थी परिवार में, तो महाराज गैया के जीव बनकर वे बाछा बनकर उस घर में पधार गए। खूब कूदे, नाचे कूदे, खूब इधर उधर, मैं मेरे घर में आ गया, मैं मेरे घर में आ गया, मौज। बाछा महाराज छोटा था, गैया दूध देवे जब तक चुखावे, एक थन दो थन और फिर बांध देवे। धीरे धीरे बाछे का साल भर बाद दूध छूटा, दूसरा बाछा या बाछी आई और उसे फिर खेत में भेज दिया, सूखा चारा खावे। धीरे धीरे बड़ा बैल बन गया और बैल बनते किसान को संभला दिया। किसान सेठ जी के खेत में हल जोते, जिसका मालिक था वही बैल बन के वही हल जोत रहा है, देखो आप। महाराज अब बैल जितने दिन जान थी उतने दिन हल जोत लिया, अवस्था आयु ही जीर्ण शीर्ण शरीर हुआ। तो सेठ जी के छोरों ने कहा किसान को, अपने हाड़ी को, कि भाई ये बैल अब कोई काम का है नहीं, काम करता नहीं, इसका रस्सा खोल दो, खेत से बाहर कर दो, खेत से बाहर कर दो। क्यों? अभी कोई काम का नहीं है, खेत से बाहर कर दो। महाराज बाहर कर दिया। अब वो खेत की मेर पे आवे तो हाड़ी उसको दे डंडा भगावे, वो गांव में सेठ जी की अपनी हवेली के बाहर जावे तो सेठ जी के छोरे छोरों करे भगाओ इन परन भगाओ, वो बूढ़ो बीमार बैल अठे क्या ना, वो कोई काम का नहीं है, भगाओ इसके यहां से। वो तो देखने आवे, मिलने आवे, भाई बच्चे कैसे हैं, पोते कैसे हैं, भगाओ। महाराज शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, बीमार पड़ गया, कीड़े पड़ गए। नाराज जी महाराज आए, बोले पुण्य है खाते में, बोलो सेठ जी अभी भी इच्छा है क्या कुछ? बोलो महाराज इच्छा है, इसी घर में वापस भेज दो। अरे भाई भला होते, यही आओगे? बोलो यही आऊंगा महाराज। महाराज अकाउंट में देखा, आप क्या बनाओ इसको, क्योंकि डिपार्टमेंट तो उनका है, वो चाहे जिसको जो कुछ बना दे। महाराज आप और हम सोचे हम मालिक है ना, मालिक का आप, इस मालिक के भीतर में मिट्ठू जो बैठा उसका भी मालिक ऊपर वाला स्वयं सरकार है। महाराज फिर देखा नारद जी ने कि भाई इसके तो एक गंडकड़ी है वो ब्याने वाली है। बोले हाँ सेठ जी, हो गया आपका काम। महाराज फिर सेठ जी आ गए वहां, उचरे आए, इधर उधर घूमे, छोरे छोरी खिलावे, थोड़ा बड़ा हो गया घर के बाहर कर दें, बूढ़ा हो गया वही दशा वही। फिर नारद जी कहवे, बोलो। बोले महाराज वापस यहीं भेज दो। बोले ये बार बार आएगा यहीं पर, ये मानेगा नहीं, तो अब के इसको ऐसा इंतजाम करो कि अपने को भी कहना नहीं पड़े, ये भी खुद ही हाथ जोड़े, महाराज पिंड छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, क्या करें?
महाराज सबसे ज्यादा आयु उम्र होती है नाग देवता की, सबसे ज्यादा उम्र होती है 2000 साल बताइए शास्त्रों में, और 500 वर्ष का होता है जब बोले मूछे आती है, और 500 से ऊपर चलता है तब नागमणी आती है महाराज ऐसे। तो महाराज वहां आसपास में ही कोई उनका जन्म हो गया घर के, अब वो घूम फिर के वापस घर पे आवे, बेटे पोते कैसे हैं, बच्ची बच्ची कैसे हैं, और महाराज ले लट सेठ जी के छोरे मुंह दूच दें, अरे वो काला को कूटो इन कूटो इन कूटो इन, सेठ जी विचारे की गत। लेकिन सांप को कहते हैं कि दाग संस्कार नहीं करो जब तक वो वापस जीवित हो जाता है। कई वर्षों तक चलता रहा यह क्रम, अंत में सेठ जी समझ गए कि गत तो बुरी है, अब तो नाराज जी को स्मरण कर लो। तो भगवान नारायण का फिर से स्मरण किया और बोले महाराज वो पुण्य अभी भी है कि है चला गया? बोले है, पुण्य तुम्हारा बैंक में जमा है, तुम्हारी इच्छा अनुरूप तुम्हें मिलेगा। बोलो, बोले महाराज अब तो मुझे मोक्ष प्रदान कर दो, मेरे को तो कोई जीव नहीं बनना। समझ में आ गई होगी कथा। महाराज ये महंगा चोला मिला है, बहुत महंगा है साहब, ये महंगा चोला मिला है, और ये सुंदर जो चोला भगवान की कृपा से मिला है, कई जन्मों के पुण्य प्रताप से मिला है। इस चोले का मुख्य कर्म जो है जिसने बनाया है उसको प्राप्त करना है, और उसके प्राप्ति का मार्ग भगवान का भजन है, भजन है, भजन है। तो आप लोग बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, विशेष कृपा पात्र हैं उस नारायण के, तो आपको ये सुंदर दिव्य चोला मिला है, और घर बैठे आए दिन ये सत्संग और कथा और गुरु आश्रम मिला है, इसलिए बड़भागी है महाराज। इस भारत भूमि में जन्म लेना ही सौभाग्य हमारा। आजकल लोग बाग जात पात में बांटने का काटने का बहुत काम करते हैं महाराज, कई प्रकार की कई कई सेना बना के इधर उधर लोगों को भटकाते हैं, लेकिन हम सबका मार्ग एक है, भगवान की प्राप्ति है। किसी भी स्वरूप को मानते हो, किसी भी नाम को जपते हो, किसी भी गुरु सत्संग से कथा से आश्रय लिया हो, लेकिन सबका मुख्य मार्ग है जिसने जगत बनाया उस जगत पिता के पास में सत्कर्म करते हुए उसका प्रिय बनकर उसी ही प्राप्त करने का काम करते रहना। तो ये जप तप दान ये हमारे मुख्य जीवन के काम हैं। आप कमाने खाने के लिए उपार्जन के लिए कोई भी कर्म करें, लेकिन साथ में 24 घंटे में से 24 मिनट उस परमात्मा के लिए अवश्य निकाला करें, बस ये जीवन का मुख्य आधार है।